हेलो फ्रेंड्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया है, यूरिन का फॉर्मेशन बताया है, रोल ऑफ किडनी फंक्शन बताया है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन सब कुछ मैंने बता दिया है। अब कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं हम इस वीडियो में उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, क्योंकि अभी तक आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा है किडनी और उससे जुड़े हुए ऑर्गन्स, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है, मेनली यूरिया को। लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर में और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें मेनली होता है CO2, ठीक है, और उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं जो अभी हम बारी बारी से बात करेंगे। तो इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए, जैसे CO2 है या बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, इनको निकालने के लिए अलग अलग अंग हमारे शरीर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे जो अंग हैं उनमें आपका किडनी के अलावा जो है लंग्स हैं, लीवर है और स्किन है, ये मेन है जो हमारे में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लंग्स की। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में हर एक सेल में होता है रेस्पायरेशन, ये आपको पता है, O2 लेते हैं और CO2 देते हैं। तो इस CO2 को निकालने के लिए हमारे लंग्स जो हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये CO2 को निकालता है। तो CO2 जो है 200 ml पर मिनट, ठीक है, ये करीब करीब लंग्स जो हैं हमारे शरीर से निकालता है। वैसे देखिए तो एक बात ये है कि हम लोग सांस में कितना CO2 लेते हैं, कितना ऑक्सीजन लेते हैं या कितना हवा लेते हैं, कितना निकालते हैं, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग में एक बार में हम 500 ml लेते हैं हवा और उतना ही छोड़ते हैं, और एक मिनट में हम करीब 12 से 16 टाइम्स हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर हम कैलकुलेट करें तो एक मिनट में हम करीब 6 से 8 लीटर हवा लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन इसमें जो छोड़ते हैं उसमें CO2 कितना परसेंट रहता है, उसमें CO2 जो है 3-4% के आसपास होता है। ठीक है, तो अगर इसके आधार पे कैलकुलेट करें तो अपन जो है टोटल CO2 को अगर हम केवल कैलकुलेट करें तो 200 ml पर मिनट CO2 हम छोड़ते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, क्योंकि सांस के द्वारा हम जो हवा छोड़ते हैं वो मॉइस्ट हो जाता है, नम हो जाता है, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी जो है, वाटर जो है वेपर के तौर पे निकल जाता है। उसी को आप अभी ठंड के दिनों में देखते हो कि जैसे हम सांस निकालते हैं सुबह सुबह रहता है जब, तो ऐसा लगता है जैसे कि धुआं निकल रहा हो टाइप, तो धुआं नहीं होता, वो वेपर होता है जो थोड़ा कंडेंस्ड हो जाता है हवा में आते ही, क्योंकि हवा ठंडी होती है, थोड़ा कंडेंस्ड हो जाता है तो हमको धुआं जैसा दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में वेपर भी बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिए लीवर, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, ठीक है, और ये एक मेन प्रोडक्ट जो बनाती है वो बनाती है बाइल जूस, और इस बाइल जूस में मिनिमम कम से कम 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं, एक है बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। ये 2 ऐसे कंपाउंड हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल कैसे बनते हैं, देखिए जो हमारा RBC होता है उसका जब लाइफ साइकिल पूरा होता है, उसका 120 दिन लाइफ साइकिल होता है RBC का, तो जैसे ही उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है, उसका लाइफ टाइम पूरा होता है, लाइफ स्पान पूरा होता है, तो वो सबसे पहले स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन में जाने के बाद क्या करता है, वो हीम और ग्लोबिन में टूट जाता है, फिर वो लीवर में जाता है। तो लीवर में जो ग्लोबिन है उसका पोरफायरिन अलग हो जाता है और बाकी कंपाउंड अलग हो जाते हैं। तो जो पोरफायरिन है वो ब्रेक होकर के 2 बहुत टॉक्सिक मटेरियल्स बनाते हैं, उनका नाम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसको क्या करता है ये लीवर, बाइल जूस के साथ मिक्स कर देता है, इसीलिए बाइल जूस का कलर इनके कारण से येलो कलर का होता है, येलो ग्रीन कलर का हल्का सा। तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बाइल जूस में मिक्स हो जाते हैं, लीवर इस बाइल जूस को लाता है, फूड मटेरियल में मिला देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूओडेनम में।
फिर ये आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड वगैरह का डाइजेशन करता है, जो भी करते हैं, लेकिन ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन उसमें कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद ये फीकस के साथ निकल जाता है। तो फीकस का जो कलर होता है, येलो टाइप का जो कलर होता है, वो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के कारण से ही होता है। अगर ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन किसी कारण से फीकस के द्वारा बाहर ना निकल पाए, बल्कि ये ब्लड में चले जाए, पूरा बाइल जूस ही ब्लड में जाने लगता है, लीवर की खराबी से या बाइल डक्ट की खराबी से, जो भी है, हेपेटाइटिस की बीमारी है जिसमें, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस, पीलिया। इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ब्लड में जाने लगता है, और ब्लड में आएगा तो पूरा शरीर इसके कारण से पीला दिखने लगता है, नाखून वगैरह, आँखें वगैरह सब कुछ पीले पीले दिखने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा जो किडनी है वो इन दोनों को ब्लड से छान के बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू। तो यूरिन का कलर जो है एकदम डार्क येलो हो जाता है, सरसों के तेल जैसा हो जाता है इसका कलर, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन। ये पहचान है जॉन्डिस का, शुरू से ही ऐसा होने लगता है, ठीक है। तो ये इतने खतरनाक हैं कि अगर ये ज़्यादा समय तक ब्लड में रह जाए, ज़्यादा अमाउंट में रह जाए, अगर ये जॉन्डिस पीलिया ज़्यादा समय तक रह जाए, तो 2-4 दिन बाद ही व्यक्ति की मौत हो सकती है, पेशेंट की मौत हो सकती है। इसलिए तुरंत इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। लेकिन हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, हेपेटाइटिस ए का तो पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का जो एक्सेस अमाउंट है वो भी बाइल जूस के साथ मिक्स होके फीकस के साथ बाहर निकलता है, काप्रोस्टेरॉल बन जाता है, ये कोलन के बैक्टीरिया द्वारा इसको काप्रोस्टेरॉल में बदल देते हैं। और डीग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, देखिए हमारे शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं, पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हमारे जितने भी सेक्स हार्मोन हैं, मेल में एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हैं स्टेरॉयड हार्मोन, सेक्स हार्मोन। इसके अलावा जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन ब्लड में आते हैं, अपना काम करते हैं, और जो एक्सेस रहता है, बेकार हो जाता है, वो जाके लीवर में उसको ब्रेक करते हैं, डिग्रेड करते हैं, और फिर उसको बाइल जूस के साथ मिक्स करके फीकस के साथ बाहर निकालते हैं। कुछ एक्स्ट्रा विटामिन्स, देखिए विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, फैट सालुबल और वाटर सालुबल। तो वाटर सालुबल विटामिन्स जैसे विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वाटर सालुबल है तो पानी में घुल के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सालुबल विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन ए डी के ई, ये विटामिन्स फैट सालुबल है, ए डी के ई, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो लीवर इनको थोड़े बहुत अमाउंट में बाइल जूस में मिक्स करके और बाइल के थ्रू ये निकालता है फीकस के द्वारा, ठीक है। विटामिन्स, कुछ ड्रग्स हैं जो हम खाते हैं, दवाइयाँ वगैरह, या फिर जो नशीले ड्रग्स होते हैं, उनको भी लीवर जो है बाइल जूस में मिक्स करके निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें जैसा मैंने आपको कहा कि बाइल जूस के द्वारा फूड में मिक्स होते हैं, और अल्टीमेटली फिर ये पहुँचते हैं फीकस में, और फीकस में पहुँच करके ये निकल जाते हैं फीकस के थ्रू, ठीक है। ये देखिए लिखा है अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट, फीकस के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं स्किन, स्किन कैसे हमको एक्सक्रीशन में मदद कर सकता है। द स्वेट एंड सीबेसियस, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सीक्रेशंस। अब देखिए जो हमारा पसीना होता है स्वेट, उसका जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल हमारे यूरिन जैसा होता है। जो जो चीज़ें हमारे यूरिन से बाहर निकल सकते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें हमारे स्वेट के थ्रू भी बाहर निकलते हैं।
जिसमें यूरिया शामिल है, थोड़ा बहुत अमोनिया शामिल है ना, और दूसरे जो वेस्ट मटेरियल हैं वो भी शामिल हैं। तो देखिए क्या लिखा है, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे स्वेट के साथ बाहर आते हैं, है ना। अब ये चीजें जब बाहर आते हैं तो बैक्टीरिया इनको, जैसे कि आपका यूरिया है, बैक्टीरिया इनको ब्रेक करते हैं, जो हमारी स्किन में बैक्टीरिया रहते हैं, और यूरिया को ब्रेक करते हैं तो अमोनिया निकलता है, और इससे क्या होता है कि हमारे स्वेट में एक ओडर पैदा होता है, गंध पैदा होती है। अब बात यह है कि कुछ लोगों का पसीना जो है ज़्यादा गंध मारता है, ज़्यादा ओडर रहता है, बॉडी ओडर ज़्यादा होती है, और कुछ लोगों में बॉडी ओडर कम होती है, नहीं होती है। इसके पीछे क्या कारण है आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहला कारण है कि जो लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से क्या होता है, एक तो यूरिन कम बन पाता है, तो जो यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर निकलना चाहिए वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है, वो ब्लड में ज़्यादा रह जाता है। अब पानी कम पीने का दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी की कूलिंग नहीं हो पाती अंदर से। अगर पानी पीते तो बॉडी अंदर से कूल होती है, तो बॉडी क्या करता है कि कूल करने के लिए पसीना निकालता है, मतलब कम पानी पीने से ज़्यादा पसीना निकलता है। अब जब बॉडी ज़्यादा पसीना निकालेगा तो क्या होगा, उस पसीने के साथ वो यूरिया ज़्यादा बाहर आएगा, ज़्यादा अमाउंट में बाहर आएगा, और यूरिया जब ज़्यादा बाहर आएगा तो फिर ज़्यादा ब्रेक होगा, ज़्यादा अमोनिया बनेंगे और ज़्यादा गंध आएगी, ज़्यादा ओडर होएगा बॉडी से, तो बॉडी ओडर ज़्यादा होती है। मतलब कम पानी पीने से ज़्यादा यूरिया बाहर आती है, ज़्यादा पसीना बाहर आता है और बॉडी ओडर ज़्यादा होती है, पहली बात। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं या पर्याप्त पानी पीते हैं तो पानी के कारण से शरीर की अंदर से कूलिंग होती रहती है, तो कूलिंग होती है और दूसरा कि पानी पर्याप्त मिलता है तो यूरिन पर्याप्त बनती है, तो जो यूरिया है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है और हमको पसीना कम आता है, और जो थोड़ा बहुत आता भी है तो उसमें यूरिया कम अमाउंट में आता है या नहीं आता है, तो वो गंध भी नहीं देता है, ठीक है, वो स्मेल नहीं देता है। स्मेल का एक दूसरा कारण भी हो सकता है, और वो कारण होता है लीवर की खराबी। जिनका लीवर सही ढंग से काम नहीं करता है, इनडाइजेशन रहता है, उन लोगों में भी बॉडी ओडर ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरा एक कारण होता है, वो होता है डायबिटीज़। जिनको डायबिटीज़ मेलिटस है, शुगर की बीमारी है, उनका भी पसीना ज़्यादा स्मेल करता है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें एक चीज़ और लिखा है कि दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द सम ऑफ द वेस्ट मेंशन एबव। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पसीना है वो हमारी बॉडी को कूल करने के लिए पैदा होता है, क्योंकि पसीना जैसी बाहर आता है और वो जैसी वेपर बनता है तो बॉडी के हीट को लेकर के वेपर बनता है ज़्यादातर, तो वो बॉडी को कूल फील कराती है, तो बॉडी की कूलिंग के लिए होता है ये स्वेटिंग। लेकिन उसके साथ जैसा मैंने कहा कि कुछ अमाउंट में ये वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालता है, ठीक है। अब देखिए कि सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीबम यानी ऑयल को सिक्रीट करता है। हमारी स्किन में, हमारे हेयर में जो ऑयल सिक्रीट होता है वो सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, और ये जो ऑयल सिक्रीट होता है, इस ऑयल में कुछ स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वेक्स, ये चीज़ें भी बाहर आती है सीबम के साथ, और ये चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो इनको भी ये साथ में ऑयल के साथ में, सीबम के साथ में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये जो ऑयल होता है जो हम सिक्रीट करते हैं सीबम, ये हमारी त्वचा का, हमारी स्किन का और हमारे हेयर का ये प्रोटेक्शन करता है, हेयर और स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये एक्चुअली वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ, बैक्टीरियल प्रूफ, ये सब कुछ बनाने की कोशिश करता है स्किन को, ठीक है, ये जो ऑयल है। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेट थ्रू द सेलाइवा टू। अब देखिए ये एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर बता रहा है कि हमारी जो सेलाइवा है वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। सेलाइवा में भी थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया हो सकता है, और आपको बता दें कि एक बार मतलब नीट में तो नहीं पूछा है, लेकिन कुछ बुक्स में जो अभी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनमें ये दिया हुआ है
कि नाइट्रोजनस वेस्ट सेलाइवा से भी बाहर निकल सकता है, यस और नो? तो ये यस है, थोड़ा बहुत सेलाइवा से भी नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल सकता है। अब है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या खराबी हो सकता है, ठीक है, ये हमको देखना है। तो क्या क्या खराबी हो सकता है, मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं। पहली खराबी है किडनी की। अगर किडनी हमारा सही ढंग से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, किडनी खराब हो गया तो, या ब्लड प्रेशर कम हो गया तो, या और भी कई कारण हो सकते हैं, अगर किडनी पानी की कमी है तो, किडनी अगर हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है तो हमारे ब्लड में यूरिया की अमाउंट बढ़ने लगेगी, और जब यूरिया की अमाउंट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं। और ब्लड में अगर यूरीमिया हो रहा है तो उसके कारण से हमारा आरबीसी डिस्टॉर्ट हो जाता है, आरबीसी का शेप साइज बिगड़ने लगता है, और जब आरबीसी का शेप साइज बिगड़ने लगेगा तो वो डिफेक्टिव आरबीसी को हमारा स्प्लीन ले जाके डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसलिए अनावश्यक तौर पे हमारे आरबीसी भी डैमेज होने लगते हैं, तो उस व्यक्ति में फिर आरबीसी की कमी हो जाएगी और उसको एनीमिया हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं एक किडनी के काम नहीं करने से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ए कंडीशन कॉल्ड यूरीमिया। मैंने अभी कहा कि किडनी के कम काम करने से ब्लड में यूरिया अगर ज़्यादा होने लग जाए तो उस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं, और ये जो है बहुत विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर। तो ये किडनी के खराब होने का कारण बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके ब्लड को हम पीरियोडिकली फिल्टर करवाते हैं आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। देखिए क्या लिखा है, इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मशीन में आर्टिफिशियल किडनी में देते हैं इसको। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक आर्टरी को निकाल करके आर्टरी से ब्लड को सीधे मशीन में जोड़ देते हैं, तो मशीन में वो ब्लड घूमता है और वो उसको फिल्टर करके साफ करके फिर वापस ब्लड को बॉडी में दे देता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू ए डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हीपेरिन। तो देखिए यहां पर जो मशीन है उसमें जब हम ब्लड को भेजते हैं तो ब्लड उसमें कोएगुलेट हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, तो उसको क्लॉट होने से रोकने के लिए उसमें एक प्रकार का एंटीकोएगुलेंट हमको ऐड करना पड़ता है। हमारा जो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो हमारे ब्लड में भी रहता है वो होता है हीपेरिन, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये जो मशीन है इसमें क्या होता है, देखिए तो मशीन में ना ट्यूब्स लगे होते हैं, क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि ऐसे करके क्वाइल्ड ट्यूब्स रहते हैं, है ना, दो ट्यूब रहते हैं साथ ही साथ, ठीक है। एक ट्यूब में ब्लड बहता है, मान लो ब्लड जो है इस ट्यूब में बह रहा है इस साइड में, तो इस ट्यूब में एक दूसरा लिक्विड बहता है अपोजिट साइड में। ये दोनों जो लिक्विड होते हैं, एक तरफ ब्लड बह रहा है और दूसरे तरफ लिक्विड बह रहा है, दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बस मतलब ऑस्मोसिस के द्वारा कोई मटेरियल आर पार हो सकता है। तो ब्लड और वो जो हीमोडायलाइजिंग लिक्विड है उन दोनों में एक ही अंतर होता है, वो अंतर ये होता है कि ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो वेस्ट मटेरियल इस लिक्विड में नहीं होते हैं, बाकी सारी चीज़ें इस लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा जैसा है। तो होता यह है कि ब्लड में जो चीज़ ज़्यादा है और लिक्विड में जो चीज़ कम है वो ब्लड से लिक्विड में पास हो जाता है, और वो क्या चीज़ है, वो वेस्ट मटेरियल्स है, जैसे यूरिया है, क्रिएटिन है, ये सब चीज़ें, वो चीज़ें इस लिक्विड में नहीं है, बाकी चीज़ें सेम है, लिक्विड और ब्लड का बाकी सब चीज़ सेम है प्लाज्मा जैसा। तो वो चीज़ें जो है
वो ब्लड से लिक्विड में आ जाते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, उसके लिए हम क्या करते हैं सेलोफेन, आपको मैं बता दूं कि सेलोफेन का प्रयोग हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह करते हैं, ठीक है। तो वो डायलाइजिंग फ्लूइड है जो उस सेलोफेन ट्यूब में घूमता है ब्लड के आजू बाजू में। कंपोजिशन इज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट, उस लिक्विड का प्लाज्मा जैसा कंटेंट है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल नहीं होते हैं। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एक ट्यूब में ब्लड बह रहा है, दूसरे ट्यूब में लिक्विड बह रहा है, ब्लड इस साइड बह रहा है तो लिक्विड इस साइड बह रहा है, तो ब्लड से वो चीज़ें लिक्विड में आ जाएंगी जो लिक्विड में नहीं है, और वो चीज़ है नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ब्लड का नाइट्रोजिनस वेस्ट लिक्विड में आ जाएगा क्योंकि लिक्विड में नहीं है, ठीक है। तो देखिए लिखा है, देखिए एज नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एबसेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट देयर बाय क्लीनिंग द ब्लड, तो ब्लड इससे साफ हो जाता है। द क्लीन ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन टू इट। अब देखिए हमने यहां पर जब ब्लड को निकाल के पंप किया था मशीन में तो उसमें हिपेरिन डाले थे, अब जब वापस साफ किया हुआ ब्लड बॉडी में डालेंगे तो उस एक्स्ट्रा हिपेरिन को हम नष्ट करेंगे, क्योंकि अगर हिपेरिन ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो भी खतरनाक है, क्योंकि फिर कहीं पर ब्लीडिंग होता वो बिल्कुल जम नहीं पाएगा। तो हम जो हिपेरिन वहाँ पर डाले थे उसको नष्ट करने के लिए एंटी हिपेरिन थोड़ा सा डाल देते हैं और एक्स्ट्रा हिपेरिन को नष्ट कर देते हैं। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में लाखों लोग हैं जिनका किडनी खराब है और वो यूरिन यूरिया को पास नहीं कर पाते हैं, तो ये जो मशीन है, ये जो मेथड है हीमोडायलिसिस का, ये उनके लिए जान बचाने वाली मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा उन लोगों का ब्लड साफ किया जाता है और उनकी जान बच जाती है, ठीक है। तो बून है उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, ठीक है। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर प्रीफेबली ए क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीज्योर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब देखिए क्या चीज लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट ये क्या है, हमारे शरीर में जब कोई अंग खराब हो जाता है तो दूसरे का अंग लेके लगा लेते हैं अपन, जैसे किडनी है, ठीक है, तो उसे किडनी ट्रांसप्लांट करें, तो आप समझते हैं अच्छे से। अब ये इम्यून सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है, देखिए होता ये है कि हमारा शरीर किसी बाहरी टिश्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी टिश्यू को या ऑर्गेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको फॉरेन मटेरियल समझता है, उसको बाहरी चीज समझता है। तो किसी भी एक्सटर्नल टिश्यू है, सेल है, उसको हमारा शरीर एंटीबॉडीज बना करके उसको नष्ट कर देता है, उसको किल कर देता है। इसी मेथड से हमारा शरीर बीमार होने से बचा हुआ है, ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। तो जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, हमारे शरीर में लगातार अटैक कर रहा है, अटैक कर रहे हैं, तो उनको हमारा शरीर मेनली इसी मेथड से नष्ट करता है। जब आप दूसरे का ऑर्गेन लेके लगाते हो तो वो अलग टाइप का टिश्यू हो गया, कि उनका जेनेटिक सिस्टम, उनका टिश्यू जो है वो अलग है, जेनेटिक सिस्टम जिसका अलग है उसको हमारा शरीर फॉरेन बॉडी मानेगा, फॉरेन मटेरियल मानेगा, फॉरेन टिश्यू और या सेल मानेगा। तो दूसरे का लिया हुआ किडनी हमारा शरीर जब फॉरेन बॉडी मानता है तो उसके लिए क्या करता है, उसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। आज आपने किडनी लिया, एक हफ्ते 10 दिन में वो किडनी खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा शरीर उसको फॉरेन मटेरियल मान के नष्ट कर रहा है, ठीक। तो अब इसका क्या तरीका है, इसका क्या इलाज है, देखिए तो पहले चीज ये है कि जब हम किडनी या इस टाइप की चीजें देते हैं तो किसी या लेते हैं तो किसी क्लोज रिलेटिव से लेते हैं, जितना ज़्यादा क्लोज रिलेटिव रहेगा उनके जीन्स उतने ज़्यादा सिमिलर रहेंगे तो उनमें रिजेक्शन और एंटीबॉडी बनने का काम कम से कम होगा, लेस मिनिमम होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्लोज रिलेटिव से लेने के बाद भी चूंकि रिजेक्ट तो करेगा ही, 15 दिन नहीं तो महीना, दिन नहीं तो 2 महीना, नहीं तो 6 महीना में रिजेक्ट कर देगा वो। तो इसके लिए क्या करते हैं,
कुछ इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन हम लोग साथ में लेते हैं। इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन क्या होते हैं? जो हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, जो एंटीबॉडी बनने को रोक देता है। अब जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो फिर वो किडनी को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होता है कि जो लिया हुआ किडनी है वो ठीक से काम करने लगता है और उस व्यक्ति की कुछ समस्या कुछ हद तक ये हल हो जाती है कि किडनी खराब हो गया, नया किडनी लगा लिया। लेकिन ये समस्या दिखने में कम तो हुई ये प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली कम नहीं हुई। आप ध्यान दीजिए, हमने जब स्टेरॉयड लिया इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, तो परिणाम ये हुआ कि जो हमारा शरीर बैक्टीरिया वायरस से लड़ रहा था वो सिस्टम भी कमज़ोर हो गया, वो भी दबा दिया गया। अब बैक्टीरिया वायरस अटैक करेगा शरीर में, एंटीबॉडी बन नहीं पाएगा, तो हमारा शरीर दूसरे तरह से बीमार पड़ने लगता है, बैक्टीरिया वायरस से घिरने लगता है एकदम। और जब बीमार होने लगता है तो डॉक्टर और क्या करता है कि उसको एंटीबॉडीज़ एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देता है। एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देगा तो वो बीमारियाँ भी अब धीरे धीरे कम होने लगेंगी या बच जाएगा। तो अब इंसान को क्या खाना पड़ रहा है? देखिए, एक तो इम्यून सप्रेशन के लिए दवाई खा रहा है वो, फिर एंटीबायोटिक्स खा रहा है ताकि दूसरी बीमारियाँ ना हो, मतलब दिन भर में वो गोलियाँ ही खाते रहता है। इससे अच्छा है कि अगर कोई ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो किडनी उडनी ट्रांसप्लांट ना किया जाए, उसको आराम से हीमोडायलिसिस में रखा जाए जितना दिन वो रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किडनी दे भी देंगे तो उसकी समस्या बहुत ज़्यादा, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और वो नॉर्मल लाइफ जिएगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा दिन तक तब भी वो लाइफ नहीं जी सकता, नहीं तो जितने अमीर लोग हैं सबके सब किडनी बदलवा के अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन एक कंडीशन में ये काम कर सकता है बहुत अच्छे से, और वो होता है सिमिलर ट्विन्स में, जो एक जैसे जुड़े हुए होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं। तो उनका जेनेटिक सिस्टम एक होता है, क्योंकि एक ही जाइगोट के दो पार्ट होते हैं बस, तो एक जैसा जेनेटिक सिस्टम है। अगर एक का किडनी दूसरे में लगा देंगे तो उसको अपना अंग समझेगा वो, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये बहुत काम का हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें पूरी दुनिया में लगभग नहीं के बराबर है कि किसी जुड़े में एक का किडनी खराब हो दूसरे का लगाए। ये ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होता है। फिर भी एक टेक्निक है, चूँकि ये मॉडर्न साइंस का एक टेक्निक है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। अब है रीनल कैलकुलाई। अब ये क्या है? किडनी स्टोन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी स्टोन कैसे बनता है? देखिए, ये जो है हमारे शरीर में एक्चुअली हार्मोन इम्बैलेंस से बनता है। हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन्स हैं। एक तो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, और एक पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, उसे कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन। जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है और फास्फेट लेवल को बढ़ाता है, थायरोकैल्सिटोनिन। और जो पैराथार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और फास्फेट लेवल को कम करता है। इस तरह से ये कैल्शियम और फास्फेट के, फास्फोरस के जो अमाउंट है, जो लेवल है ब्लड में, उसको मेंटेन करते हैं। कौन से हार्मोन? थायराइड का थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड का पैराथार्मोन, ये दोनों मेंटेन करते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है और ब्लड में कैल्शियम या फास्फेट का लेवल कम ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो किडनी उनको छान के यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है। और यूरिन के थ्रू जब बाहर निकालता है तो किडनी के नेफ्रॉन्स में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स के रुकने लगते हैं। अगर वो व्यक्ति कम पानी पी रहा है तो ज़्यादा समस्या होती है, ठीक है। फिर एक समय आता है कि पार्टिकल आपस में जुड़ के स्टोन जैसा हो जाते हैं। ये है किडनी स्टोन, जिसको हम कहते हैं रीनल कैलकुलाई। तो जनरली कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, इनके ये देखिए क्रिस्टलाइन साल्ट, ऑक्सलेट्स एट्सेट्रा, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए है ना, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट के ये पार्टिकल्स होते हैं, तो ये किडनी में बन जाते हैं। अब किडनी में बन गया तो क्या करेंगे? इसके लिए दो तीन तरीके होते हैं। एक तो आपकी लेज़र करवाइए तो लेज़र बीम से उसको क्रश करके एकदम बारीक पाउडर में पीस देते हैं, या फिर उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं, है ना। आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, तो कई तरह से इसका इलाज होता है, ठीक है। एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये देखिए क्या है ग्लोमेरुलस। आइटिस का मतलब होता है सूजन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में सूजन जो होता है उसे हम कहते हैं
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये सूजन क्यों होता है, तो जनरली ये सूजन जो है या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है या बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के कारण से होता है। और अगर ये नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस का ये जो सूजन है, ये इन्फ्लेमेशन है, बना रहेगा तो फिर वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और दूसरा कि उसके फिल्टर जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है, तो प्रोटीन या ब्लड भी छनने लग जाता है। तो दिक्कत ये होता है कि यूरिन से प्रोटीन या ब्लड जाएगा तो व्यक्ति धीरे धीरे मर ही जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो किडनी के मेन मेन समस्याएं हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा आपको ऑर्निथिन साइकिल बताऊंगा। ऑर्निथिन साइकिल क्या है, देखिए कि हमारा जो शरीर अमोनिया बनाता है वो अमोनिया लीवर में जा कर के यूरिया में बदलता है। तो जो जिस साइकिल से वो यूरिया में बदलता है उसे हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर ऑर्निथिन नाम का एक एमिनो एसिड बनता है। इसको सिट्रुलिन ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिट्रुलिन भी बनता है। तो जो अमोनिया है उसको यूरिया में बदलने की जो प्रोसेस है लीवर में होता है वो है ऑर्निथिन साइकिल। तो इसमें क्या होता है आप देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ, चूँकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके NCERT में नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो लीवर में जाता है अमोनिया और वहाँ पर CO2 के साथ मिल करके दो ATP खर्च करके ये एक कंपाउंड बनाता है कार्बेमाइल फॉस्फेट, ठीक है। अब ये इस साइकिल में एंट्री करेगा कार्बेमाइल फॉस्फेट, तो साइकिल में सबसे पहले ये इंक्लूड करेगा ऑर्निथिन को और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सिट्रुलिन, ठीक है। फिर सिट्रुलिन क्या करता है, ये आगे चल के देखिए एस्पार्टिक एसिड इसमें इंक्लूड हो जाता है और एक बन जाता है फ्यूमरिक एसिड और एक बन जाता है आर्जिनिन, ठीक है। ये फ्यूमरिक एसिड वापस इधर चला जाता है यूज होने के लिए, एस्पार्टिक एसिड बन जाता है बाद में, और ये जो आर्जिनिन है ये आगे ऑर्निथिन में बदल जाएगा और एक यूरिया ये अलग कर देगा। तो ये बहुत ब्रीफ में मैंने आपको ये रिएक्शन बताया है। वैसे तो बहुत सारे और भी इसके रिएक्शन के स्टेप्स जो हैं दिए हुए हैं बुक्स में और कई जगह पे, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों ठीक है, ये मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पूरा पढ़ा दिया है, आप इसको एक बार पूरा देख लें, तीनों वीडियोस को, चारों वीडियोस को देख लीजिए आप, चार पार्ट में मैंने पढ़ाया है। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले वीडियोस की। पूरा NCERT में पढ़ाने वाला हूँ 11th का 12th का आपके नीट के लिए, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और थोड़ा सा इसको शेयर जरूर कर दें, जिससे दूसरे भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सकें और मेरे भी चैनल को फ़ायदा हो सके। और लाइक शेयर कमेंट कर दें अगर आपके पास समय रहा थोड़ा सा, तो है ना। थैंक यू और गुड नाइट है।